अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ हमना पार्लर में, वो बहुत आप लोगों ने, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी बेस पे, पोर्स ओपन और ऑयली स्किन पे एक्वा के साथ और क्रेलॉन के साथ, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा था कि एक्वा कलर की जो शेड्स हैं वो मीडियम स्किन टोन के लिए, सांवली रंगत के लिए और फेयर के लिए बता दें। तो इस तरह कमेंट्स में बताना जो है मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने सोचा कि आपकी जो एक बहुत ज़्यादा आपकी एक हेल्प करने के लिए या आपकी आपके लिए आसानी के लिए मैं इस पे वीडियो बना देती हूँ और बकायदा आपको शेड्स दिखा देती हूँ। तो मुझे ख़ुद को तसल्ली नहीं होती जब तक मैं कोई सही तरीके से आप लोगों के साथ जो है डिटेल के साथ शेयर ना करूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास तीन शेड्स हैं एक्वा कलर की और ये तीनों शेड्स ही मोस्ट यूज़ेबल जो पार्लर में यूज़ होने वाली हैं। और इसके अलावा जो है वो भी मैं आपको एक शेड बता दूंगी कि जो इसमें एक मिस है, वो शेड भी जो है वो भी पार्लर में यूज़ होने वाली है। और ये फेयर के लिए है, मीडियम के लिए है और सांवली रंगत के लिए है। तो एक्वा कलर की जो बेस है उसका तो आपको पता है कि वो इस तरह से इसकी पैकिंग होती है। एक्वा कलर और इसकी जो ओरिजिनल होने की एक जो है ये वाला जो एक टैग ऊपर क्रेलॉन का होता है, ये वाला लाजमी आपने देखना होता है क्योंकि इसमें फेक भी मिलती है। जो फेक होती है उसके ऊपर ये वाला टैग नहीं होता। और ये इसकी शेड है FS36 और ये एक्वा कलर ये क्रेलॉन की है और इसकी कीमत जो है वो 3200 रुपए तक जो हो गई है, 3200 तक। तो ये देख लें, ये ओरिजिनल है बिल्कुल। इसमें आपको मैं बताऊं कि जो फेक होती है ना, वो उस उसकी ये वाली बॉडी जो होती है वो भी थोड़ी सी हल्की होती है, आपको पता चल जाएगा देखने से। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाइट टोन में होती है और बिल्कुल भी उसकी ना एक नीटनेस नहीं होती बॉडी में। तो ये इसकी बॉडी है और ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो शेड है ये है FS36। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी तफसील से बता दूँ कि जो क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक की शेड्स हैं ना, वही सेम शेड्स ये एक्वा में हैं। जो क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक की शेड्स हैं, जैसे वो आइवरी है तो इसमें आइवरी सेम एक जैसी है, कुछ फ़र्क नहीं है। अगर उसकी 36 है टीवी पेंट स्टिक की, तो इसकी भी 36 सेम वही शेड है। मैंने इसको देखा है, चेक किया है। इसकी अगर 45 है तो क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक की 45 भी सेम है। तो ये अब आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जिनको नहीं भी पता, तो उनको क्रेलॉन की अगर शेड्स का पता है ना, तो वो समझें कि सेम ही जो है एक्वा में भी यही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनकी भी यही है और इनका जो एक कम्पैक्ट पाउडर मिलता है क्रेलॉन का, वो भी सेम शेड्स में होते हैं, FS36, 45, आइवरी, W1 या इसके अलावा जो और भी जितनी पेल शेड है या 508 है, जो कलर करेक्टर के लिए यूज़ होती है। तो ये देखें, ये अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एक्वा कलर की इस तरह की होती है और ये इसका अंदर जो है ये इस तरह से ऊपर कवर किया होता है इसको इस तरह से, ये देखें। और ये जी 36 है, ये देखें। ये बहुत ज़्यादा जिनकी सांवली रंगत है ना, ये उनके ऊपर यूज़ होगी। इसे आप एज ए जो है कंटूर भी कर सकते हैं, एज ए कंसीलर भी जो आईज़ के लिए आप कर सकते हैं यूज़। और इसे आप बहुत ज़्यादा जिनकी सांवली रंगत है उसके ऊपर जो ये वाली FS36 जाएगी। और ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ये देखें, ये इस तरह से इसका कवर होता है। ये अंदर से भी जो इसकी ना इस तरह से, ये देखें, इसकी आवाज़ आती है इस तरह से। जो फेक है उसकी ये चीज़ नहीं होती। तो जो फेक है वो आपको पैकिंग में डब्बी के अंदर मिलेगी ना, एक कागज़ की जैसे गत्ते की डब्बी होती है ना, उसके अंदर पैक होती है। फेक की ये एक है, लेकिन ये जो है ये डब्बी वगैरह के अंदर नहीं होती, ये इसी तरह से मिलती है। इसमें आप कोई पैकिंग के अंदर नहीं मिलती, ये बिल्कुल इसी तरह मिलती है। ये हो गया जी 36। अब मैं डिटेल से, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से बता दूं, ताकि एक तो आप फेक चीज़ से बच जाएं, दूसरा ये है कि आप सही जो आपकी एक स्किन शेड है ना वो वाली आप जो हैं बाय करें। तो ये 36 थी, ये सांवली रंगत पे जाएगी, अब आपको पता चल गया होगा। अब नंबर दो पे जो है, नंबर दो पे ये देखें, ये है आइवरी, ये आइवरी है मेरे पास। और इसको इसका भी ये देखें, ये देखें, ये आइवरी शेड में है, ये देखें। ये जिनकी फेयर स्किन है ना, फेयर बहुत ज़्यादा फेयर तो नहीं, लेकिन जो एक नेचुरल सी फेयर सी स्किन टोन है, उन पे ये वाला कलर यूज़ होगा। ये देखें,
आइवरी जो है ये फेयर पे नेचुरल पे ये यूज़ होगा, आइवरी एक्वा कलर का। 36 जो है वो सांवली रंगत पे होगा, आइवरी फेयर पे होगा। अब ये मेरे पास है G16, ये बहुत अच्छी शेड है, ये मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ पार्लर में, और ये देखें मैंने इसमें काफ़ी यूज़ की हुई भी है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये कुछ फेयर पे भी जाएगी, नॉर्मल टू फेयर पे भी जाएगी, ये बहुत अच्छी शेड है। आप अगर आइवरी से भी हटके अगर थोड़ी सी पेल टोन में चाहते हैं ना तो आप G16 लें। ये देखें ये G16 बहुत अच्छी ये शेड है, और ये मोस्ट यूजेबल पार्लर में होने वाली शेड है, इसको ज़्यादातर पार्लर में जो है ये यूज़ होती है। और ये G16 है, ये फेयर वाले भी कर सकते हैं, नॉर्मल टू फेयर वाले भी कर सकते हैं। जिनकी मीडियम स्किन है, ना ज़्यादा सांवली है ना ज़्यादा फेयर है, वो कौन सी शेड लें? अब वो एक शेड है FS45, वो FS45 है, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ को वो FS45 है, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट्स में कहेंगे कि आपने सांवली के लिए भी बता दी, फेयर के लिए भी बता दी, नॉर्मल टू फेयर के लिए भी बता दी, लेकिन आपने मीडियम जो टोन की नहीं बताई। तो मीडियम स्किन टोन के लिए जो मैं आपको बता दूं FS45 क्रेलॉन की टीवी पिन स्टिक जो FS45 है, सेम वही शेड आप एक्वा कलर में लेंगे। तो सो ये थी जो तीन शेड्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, बहुत ज़्यादा ये यूज़ेबल हैं, और इनका बताना इस तरह से वीडियो के अंदर बहुत ज़रूरी था। ऐसे कमेंट्स में मैं हर एक की जो शेड की डिटेल या तफसील नहीं बता सकती, तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दिया करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।